यही काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ही पवन सिंह जमीन लिए हैं, घर बनवाई है और अपने जनता के साथ रही है। पाँच साल तक वो काराकाट में ही रहकर काराकाट का विकास करेंगे और वो कहीं नहीं जाने वाले हैं पाँच साल काराकाट को छोड़कर। और नेता लोग आ रहे हैं, बस वोट लेके जा रहे हैं और फिर तो वही बात है। अब की पूरा काराकाट के लोगों ने ठाना है पवन भैया को सांसद बनाना है। भैया मनीष कश्यप भी एक सांसद का चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वो पैसा लेकर या फिर जो भी चुनाव में बैठ गए और भाजपा में शामिल हो गए, क्या पवन सिंह को भी बैठा दिया जाएगा भाजपा के द्वारा? पवन जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने वाला काम नहीं किया है और ना ही मैं कभी अपनी जनता को उदास कर पाऊंगा। मैं अपने जनता के लिए जीता हूँ और अपने जनता की खुशी के लिए मर भी जाऊंगा तो कोई कम नहीं। जेकरा ऊपर जनता के आशीर्वाद बा, हमार माई बहन खड़ा होके इसे आशीर्वाद देता रही। मैं क्या बोला कि इनके खुशी के लिए हूँ और इनके खुशी के लिए अगर चला भी जाऊंगा तो भी मुझे कोई कम नहीं है। और मनीष कश्यप हमारे भाई हैं, हर इंसान की अपनी अपनी एक सोच होती है, जिसको जो अच्छा लगे वो अपना काम करे। भैया कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव जीतेंगे तो जीतने के बाद दिल्ली चले जाएंगे, क्षेत्र में घूमने नहीं आएंगे पहले के सांसदों की तरह। मैं जो भी हूँ ओरिजिनल हूँ, बनावटी नहीं हूँ। जो बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ, दिमाग से नहीं। यही काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ही पवन सिंह जमीन लिए हैं, घर बनवाई है और अपने जनता के साथ रही है। भैया के वोट देवे के बाद एक सेकंड तेरे माई के आशीर्वाद रहे। अच्छा क्या पवन सिंह को आप लोग वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? चले पवन तोड़ो क्या कमान, पवन तो पवन मैं पवन। अच्छा ये बताइए कि पवन सिंह यहाँ पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी बने हुए हैं, पहले भी यहाँ पर सांसद विधायक बहुत लोग होंगे, क्या उन लोग से कोई उम्मीद पुराना आप लोग को नहीं हुआ है क्या? वो सब चोर है, वो कुछ नहीं किया है, सब चोर है। सबसे मेरे पवन भैया बहुत बड़े हैं, सबसे बढ़िया नेता बने। कौन ने तो डलमिया पे आवाज उठाया है, डलमिया फैक्ट्री पे फोन भी उठाया है। हाँ तेरी कैमरा भाई पवन भैया डालमिया आवाज उठाए हैं, कोई नेता नहीं उठाया था। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं? भरू पंचायत से। हाँ यहाँ के लोग युवा जितने भी लोग हैं पवन सिंह के सपोर्ट में, पूरा फुल सपोर्ट है युवा के संग संग बूढ़ बुजुर्ग सब पूरा। यहाँ पर तो बड़ी जातिवाद होता है, कोई बीजेपी से आएगा तो बिल्कुल पावर स्टार है। वो एक कलाकार है और उनका कोई भी जाति नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो एक कलाकार है और उनका कोई जाति नहीं है। चाचा देखिए इनका मोच दाढ़ी पक गया है, बुजुर्ग है। ये बताइए कि किसको वोट दीजिएगा? पवन सिंह कहे पवन सिंह को दीजिए, वो हमारे क्षेत्रीय हैं, इसी कल वोट दे रहे हैं। विकास करेंगे पवन, विकास करेंगे। वो जीतेंगे तो बम्बे चल जाएंगे? नहीं बम्बे नहीं जाएंगे। अरे भैया से बात हुआ, नहीं जाएंगे। बोले हैं कि पाँच साल तक वो काराकाट में ही रहकर काराकाट का विकास करेंगे और वो कहीं नहीं जाने वाले हैं पाँच साल काराकाट को छोड़कर। और नेता लोग आ रहे हैं, बस वोट लेके जा रहे हैं और फिर तो वही बात है। अब की पूरा काराकाट के लोगों ने ठाना है पवन भैया को सांसद बनाना है। पवन सिंह को सपोर्ट करने के लिए भाई लोग चिलचिलाती धूप में खड़ा है। अच्छा ही बताइए आप लोग ही बताइए कि आप लोग उपेंद्र कुशवाहा का है नहीं वोट दे रहे हैं? एक आता ही नहीं, क्षेत्र में कभी नहीं आता। एक बात आप बताइए कि काहे दें, काहे दें, क्या कर रहे थे? वो चोर है, वो जीतने के बाद पाँच साल उनको बना दिया गया नेताजी के मत। हाँ एकदम चोर है, नेताजी को बोलेंगे चोर है। पावर स्टार है इसका, देखिए बंद है, जीत जाएगा ना तब देखिएगा आप लोग। वोट दीजिएगा ना, खाली यूट्यूब पे खाली वोट दीजिएगा। नहीं वोट देंगे, बूथ पे जा करके सब वोट देगा।
देख लीजिएगा, देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर युवा सभी गार्जियन के भाई काराकाट के सांसद बनी तमाम लोग मौजूद है। किसको वोट दीजिएगा? पवन सिंह। पवन सिंह कहे? पवन सिंह बहुत अच्छा है, पहला बार आ रहा, देखेंगे उसको आगे मौका देंगे। क्या करना चाहते हैं? एक बार देखना चाहिए। हाँ देखना चाहिए। अरे उपेंद्र सुनिए, उपेंद्र को सुहाग मौका दीजिए। क्या किए 5 साल में? क्या किए क्षेत्र के लिए? क्या किए राजा राम? बहुत काम किए हैं। सब रोड नली का क्या किए? क्या किए? क्या किए? यहाँ की जनता करे उपेंद्र कुशवाहा 5 साल में? सुनिए 5 साल में क्या किए बताइए? अब तो आप लोग बताइएगा, आप यहाँ की जनता है। 5 साल में जितने बाद एक भी बार क्षेत्र में आया नहीं है? एक भी बार क्षेत्र में नहीं है। अच्छा पवन सिंह को लेकर यहाँ पर जातिवाद सब खत्म हो गया? जातिवाद खत्म है सब, पवन सब वोट है। किसी जात से पूछ लीजिए, सिर्फ पवन सिंह बताएगा। पवन सिंह अब सभी गार्जियन सिंह ओनली पवन सिंह ओनली को सांसद बनाना है। चलिए पवन सिंह क्या नाम है? देखिए अभी वोटर लिस्ट में बेचारा का नाम है लेकिन ओनली पवन सिंह। क्या है पवन सिंह भाई? बच्चा बच्चा बोलेगा। अच्छा आदमी है क्या पवन सिंह? यस। कौन से गाना सुने हैं? यस झमकौला से हो सुने हैं? या झमकौला से हो? एक लाइन सभी गार्जियन के भाई यही पुकार, काराकाट के सांसद बनी पवनवा हमारे। देख लीजिए पवन सिंह जी, यानी कि यहाँ पर पहले से कोई सांसद काम नहीं किए हैं। अगर आप भी काराकाट की जनता का समस्या नहीं सुनेंगे तो चेंज कर देंगे। हवा हवा। अरे जब चले पवन तो रोकी कवन हो। चलिए फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ दो भाई।